नमस्कार। आसन पर बैठकर भोजन करना होता है सबसे वैज्ञानिक तरीका, वास्तु के अनुसार भी और अपने सामाजिक और धार्मिक मर्यादाओं के अनुसार भी। आजकल हम बहुत ही फैशनेबल बन गए हैं, घर में भी बैठे हैं, डाइनिंग टेबल सज गया है, खाना खा रहे हैं, जूते पहन कर खाना खा रहे हैं, घर में भी नाश्ता कर रहे हैं, जूते ड्यूटी तैयार हैं, खड़े खड़े खाना खा रहे हैं जूते पहन करके। ऐसा क्यों? मान लिया कि शादी बारात में, ब्याह आदि उत्सव में आपको कैंटीन में खाना खा रहे हैं, 1% ठीक हो सकता है, लेकिन वो ठीक नहीं है। जूते पहने हुए हैं, जूते क्या हैं, चमड़े के, उसमें मृत चर्म, मृत पशु का चर्म लगा हुआ है, पैरों में वो लगा हुआ है और मुंह से खाना खा रहे हैं, हाथ से खाना खा, तो शुद्धता कहाँ आई, पवित्रता कहाँ आई, हम खाना नहीं खा रहे हैं। इसलिए सबसे अपने वेदों में भी, शास्त्रों में भी और वैज्ञानिकों के अनुसार भी आसन पर बैठिए पलौथी मार करके और भोजन कीजिए। भोजन से पहले अपने इष्ट को याद कीजिए, अन्नपूर्णा माँ को याद कीजिए और भोजन मंत्र यदि याद हो उसे बोलिए। ऐसा करने से वह सात्विकता से पूर्ण होगा और आपको प्रॉपर शुद्ध रूप से लाभ मिलेगा। खड़ा होकर खाने से हमारे जो शरीर की ग्रंथियां हैं, जो शरीर में हमारे इस अग्नाशय में हमारे भोजन ले जाती हैं, अगर हम खड़े होकर खाना खा रहे हैं तो हमारे उससे बहुत ही प्रभाव पड़ता है, नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। और सबसे पहली बड़ी बात कि पूरब में मुंह करके खाना खाएंगे तो अच्छा रहेगा, इससे संतुष्टि मिलेगी और अपने शरीर को जो पाचक क्रियाएं हैं, जो पाचन शक्तियां हैं बढ़ेंगी। दक्षिण को मुंह नहीं करना चाहिए और साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य में भी मुंह करके खाना नहीं खाना चाहिए। तो सबसे बड़ा तरीका खाने का है जूते चप्पल निकाल करके आसन में बैठ करके खाना खाएं तो अच्छा है। धन्यवाद।